क्या चीज है, मसाला वसाला क्या मसाला नहीं है, ब्लैक टी जो है ना, ये नहीं जानते। अच्छा मैं नहीं जानता इसके बारे में, तो ये मुकेश को बता रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी आज होला का त्यौहार, अभी जस्ट मैं सो करके उठा हूँ, अभी लगभग सुबह के 6:30 बज रहे। के बाद ऐसा मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं आज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निगान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बावा में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं पवारा गांव, कुछ छोटा सा काम है तो उसके लिए। तो ये है अमरकोटी का एरिया, तो इधर है कॉलोनी और इधर है मार्केट, तो ये जो है पूरा मार्केट एरिया, तो यहीं पर मैं रहता हूँ अभी। ये भाई मस्त घर है वाला, गुलमोहर नाम है इसके घर का। इस गुलमोहर से भाई, गुलमोहर वाला एक गाना याद आता है मेरे को, छत्तीसगढ़ी। गुलमोहर से ही मल्लो भाई गोरी। राजा जी, ये है नेहरू नगर जाने वाला रास्ता उमरपुटी का, और आगे बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे नगर हैं, मेरे को भी पता नहीं। मैं भी अभी एक ही साल हो रहा है यहाँ पे, मैं हम लोग रहने के लिए आए हैं, ठीक है। पहले हम लोग सेक्टर एरिया में रहते थे, विलाई में, अभी चेंज कर लिए। तो अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था गोप्रो में, तो मैं अभी यहाँ पे रुका हूँ। ये है पूरा ही गांव, आगे जस्ट ये जो नाला है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरा ही गांव। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं गोप्रो में। ये पता नहीं बहुत दिन से ऐसा होता है कि बहुत देर तक रिकॉर्ड करने की वजह से ये हैंग हो जाता है, उसमें परिवार है। जा रहा हूँ घर, ठीक है। हाँ एक्चुअली कहानी क्या है मैं बताता हूँ, थोड़ा रुको, गली है तो थोड़ा। तो अभी हमारा काम हो गया यहाँ पे, मैं अपने जितने भी मतलब यहाँ पे जो हम हमारे खेत में काम किए हैं उनको मैं पैसा देने के लिए आया था। अभी आवाज़ पता नहीं इसमें घर घराहट की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं, पर चेक कर लेंगे। मैं जब पहला रिकॉर्डिंग किया तो उसमें थोड़ा हल्का हल्का आ रहा है, और इसमें भी हो सके तो आएगा, तो ये चीज़ को छोड़ देना भाई। और मेरे को 1 बजे से पहले उसके घर में पहुँचना है, क्योंकि मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, तो मैं एकदम टाइम फिक्स करके जा रहा हूँ। और वो जो दिख रहा है वो BSP का प्लांट है पूरा, यहाँ पे मरोदा का। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मरोदा स्टेशन भूल जाते हैं यार, बाहर भूलने का बीमारी मेरे को बहुत हो रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वो देखो वहाँ पे है, वो मार दी गया। तो ये अभी हम लोग आ गए हैं पावर हाउस। ये जो ब्रिज है ये मुंबई कोलकाता हाईवे बन रहा है अभी, ये देखो इसके ऊपर ब्रिज के ऊपर से जाएगा ये। तो ये है पावर हाउस का एरिया, पावर हाउस का ब्रिज। तो मैं इसके बारे में बता दूँ, थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। उद्घाटन है वहाँ पे, इस कारण से आज हम जा रहे हैं शूट करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए। और वहाँ पे आज CM भूपेश बघेल जी वो आ रहे हैं उद्घाटन के लिए। अब देखते हैं वहाँ पे उद्घाटन हो गया है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम आए हैं वीडियो शूट करने के लिए। तो अभी जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा कैंसिल होने वाला है,
क्योंकि जो उद्घाटन का जो समय है वो शाम तक होगा, तो अभी फिलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो यहाँ पे थोड़ा पोपट हो गया। 5 hours later तो लोकेश अभी अंदर में, तो हम लोग अंदर का भी वो टूर कराते हैं आप लोगों को कि क्या क्या यहाँ पे, और ये मूर्ति उर्ति भी है यहाँ पे बहुत सारा जो कि बहुत, और यहाँ पे लकड़ी से भी बना हुआ बहुत सारा चीज़ है, ये बांस से बैम्बू से बना हुआ चीज़ है। और बोतल भी है भाई यहाँ पे, ये देख सकते हैं अभी ठंडा रहेगा, ठंडा रहेगा भाई, 200 रुपये का ऐसा है। देखो ये बांस का टोकनी भी है, भारी है, बांस का नहीं है ये बांस का थोड़ी है, वो झाड़ू का बनते हैं। हाँ झाड़ू का ही है, क्या बोलते हैं, छीन छीन बोलते हैं, छीन नहीं है ये, लिखा है क्या कुछ, सवई घास, सवई घास, ये सवई घास सर। ये देखो पेन स्टैंड, अच्छा क्वालिटी, अभी तक तो अच्छे ही लग रहा है, भीगने भीगने के बाद खराब हो जाएगा, भीगने वाला ये भी अच्छा लग रहा है यार। हाँ तो ये आर्ट वर्क वगैरह, आर्ट वर्क पोस्टर है यहाँ पे, और ये देखो इस प्रकार से तो एक्टर ही लग रहा है ये है, ये भी अच्छा लग रहा है ये वाला सब। फिलहाल हम लोग प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या सामान है। चलो थोड़ा खाने पीने के सामान में देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। खाने पीने के सामान में है रागी कुकीज़, ये पूरा कुकीज़ है, और इधर हर्बल प्रोडक्ट है ये सब, घर में बना घर में हाँ ये प्रोडक्ट को भाई घर में बनाया जाता है आपके पास, ये जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं घर में बनाया जाता है। अभी क्या चीज़ है, मसाला क्या, मसाला नहीं है ये, ब्लैक टी, अच्छा नहीं टी नहीं है ये, गुलाब मसाला ब्लैक टी तो लिखा है, गुलाब मसाला ब्लैक टी भाई, इतने सारे चाय के अभी वो क्या है, ग्रीन टी, और ये क्या है, ये क्या है, ये साबूदाना पापड़, पापड़ दो टो का वैरायटी है ये देख सकते हो, यहाँ महुआ से भी बना हुआ लड्डू है ये देख सकते हो। तो अभी फिलहाल हम लोग मसाले की तरफ आ गए हैं, मसाला देखते हैं क्या क्या है मसाला, ये लाल मिर्च का जितना ये पैकेट है, हल्दी है, गरम मसाला है, नेचुरल्स क्या है वो हल्दी, हाँ देखो यहाँ पे चटाई भी है जो कि छीन के पत्ती से बना हुआ है ये चटाई, इसके बारे में तो ये लोकेश मेरे को बता रहा था, तिकुर होता है ये, इसको रहता है करके पानी, पहले ना तिकुर 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 नाम है ना उसका, मैं सोचता था तिखा होता था क्या करके इस टाइप से, लेकिन मैं भी वही सोचा था तिकुर नाम है तो क्या पता तिखा होता होगा कि, और आपको अभी चावल के और क्या तेल है, सरसों का तेल है ये काला वाला, क्या जामुन, जामुन जामुन मतलब जामुन, अरे जामुन नहीं जान रहे हो, काला वाला जामुन। हाँ यहाँ एक बात और बता दे रहा हूँ आपको, सब्जी भी मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हो, मुझे भी ना बहुत दिन हो गया मालूम पत्ते में एक बार भी नहीं खाऊँ, शादी ब्याह भी जो होता रहता है ना उसमें भी ज़्यादातर पत्ते में आजकल नहीं देते, वो प्लास्टिक वाले में देते हैं, पहले देते थे शादी ब्याह में जब ये एकदम मेरा हरे पत्ता रहता था उस टाइम मालूम, अरे भाई चाबी रख किसी का, ये जितने भी देख रहे हो सब अचार के वैरायटीज हैं यहाँ पे, थिंकिंग भारत हेयर टॉनिक, अच्छा वो है ऑयल है ये, ऑयल हेयर ऑयल टॉनिक मतलब तो पीने वाला रहता है क्या, तो हेयर ऑयल ही है यहाँ, ये तो हेयर ऑयल है, ये भी है नहीं ये पीने वाला रहता है, हेयर टॉनिक शायद पीने वाला, पीने वाला तो उसको कहने का कंपनी है, पोहा पोहा है, पोहा है दंतेवाड़ा से आया है, अच्छा दंतेवाड़ा से अधिकतर जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो बाहर से ही आएगा, बस्तर वगैरह से, हाँ बस्तर से भी आएगा, दंतेवाड़ा से भी आएगा,
अभी देख रहे हो ये पूरा अगरबत्ती है, ये जो देख रहे हो ये जो क्या बोलते हैं इसको, गोबर और क्या दिया, हाँ दिया बोल जा रहा हूँ। ये देखो ये जो है गोबर से बना हुआ है दिया, बता देना दंत मंजन हर्बल हाँ पूरा चीज हर्बल रहेगा भाई। कहाँ लिखा है, लिखा है नेचुरल माउथवॉश, गुड़ पान, गुड़ पान, ये और बड़ा अलग है भाई, ये ऑर्गेनिक, ये पाउडर है वो, शायद सुबह सुबह दूध में ये पानी मिला के पीने वाला है। जितना भी आप देख रहे हो ये पूरा ऑर्गेनिक है, छत्तीसगढ़ी हर्बल, कपड़ा भी है उधर मत जाओ।